my heart. 봄의 향기. Good morning, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो सब? सब अच्छे से मजे में होंगे, है ना? चलो, chapter number 14, नदी उड़ंगिए, page number 106 का exercise देखे हम. इसी तरह आप देख सकते हो, इसमें क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? चित्र में एक लड़की और पंक्चर वाला दोनों क्या कर रहे हैं. लड़की खड़ी है, पंक्चर वाला साइकिल की ट्यूब को पंक्चर कहाँ है वो देखता है. तो इस चित्र में कौन सी चीज़ है वो यहाँ पर लिखनी है. वो देखो, टायर है, पंप दिखाई देता है, साइकिल है, छोकरी, ट्यूब, पंक्चर वाड़ो, सॉल्यूशन, पानी नु पात्र, वृक्ष और फिर घर दिखाई देता है, है ना? आपको यहाँ पर लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु जेनी बनेली होय तेने वस्तु साथे जोड़ी ने दर्शाओ. देखो, अब लकड़ी की जो चीज़ है ना, उसको उसके साथ ज्वाइन करनी है. तत्पश्चात मिट्टी, माटी, फिर एक प्लास्टिक है, कपड़ा है, धातु है. ओके, तो क्या करना है? लकड़ी का है ना, तो लकड़ी से ज्वाइन किया है. फिर ए टेबल, ओके, फिर ये मिट्टी का, तो ये मटका है. फिर ये रोटी बनाने का, ये दोनों मिट्टी के हैं. फिर प्लास्टिक का ये कंघी है. फिर ये टब है, ये डोल है. फिर ये धातु, तो ये चम्मच है. फिर कटोरी है. ओके, फिर ये कपड़े का ये है, ये है. और ओके, तो ऐसे करके हमको ये चीज दी गई है, उसको डिवाइड करके बताना है. ओके बेटा, तब पश्चात ये जो बॉक्स दिया गया है ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे? ये बॉक्स जो दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 15, वहाँ पर क्या क्या लिखना है? एनिमल्स के नेम ढूंढ कर उस पर राउंड करना है हमें. और एनिमल्स में भी डिवाइड किया गया है कि पालतू एनिमल्स, पालतू प्राणियों, जंगली प्राणियों, पानी में रहता प्राणियों. तो पालतू एनिमल्स यानी कि हमारे घर पे हम जो रख सकते हैं ऐसे एनिमल्स, जो जंगल में रहते हैं ऐसे एनिमल्स, और जो पानी में रहते हैं ना ऐसे एनिमल्स. तो चलो हम डिवाइड करें. झोड़ बिलाड़ी तो ये कहाँ पर रहती है? पानी में, इधर. फिर मछली, वो भी पानी में रहती है. फिर शियार, वो जंगली है. गाय,
पालतू प्राणी है? फिर मकर, वो पानी में रहने वाला एनिमल्स है। फिर बाघ जंगली प्राणी है। फिर गेंडों, वो जंगली प्राणी है। फिर हाथी, वो भी जंगल में रहता है और हमारे आसपास भी रहता है। फिर ड्राउंड ड्राउंड कौन करता है? डेड को, वंदरों जंगली प्राणी पण कहेवाय, અને પાળી ન શકાય અને એટલે જંગલી પ્રાણી પણ કહી શકીએ છીએ. આપણી આજુબાજુ રહે છે ખરું, પણ એને પાળી શકાય નહીં, કેમ કે એ એક જગ્યાએ બેસે જ નહીં ને. કચબો પાણી મેં રહેતા હૈ ઓર બહાર ભી રહેતા હૈ. ભેંસ પાળી શકાય. તો એસે કરકે हमें ये एनिमल्स को डिवाइड करना है. ओके बेटा, तो करोगे ना? तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 है ना, नीचे जोड़ेला वाक्यों ने जुदा करो और जुदा वाक्यों ने जोड़ने रखो. आगे भी हमने देखा है ना ऐसा. वीणा अने नीलम मेहंदी मूके छे, तो यहाँ पर वीणा मेहंदी मूके छे, नीलम मेहंदी मूके छे. अर्णव अने युग क्रिकेट रमे छे, अर्णव क्रिकेट रमे छे, युग क्रिकेट रमे छे. निष्ठा अने हैप्पी लखे छे, तो यहाँ पर निष्ठा लखे छे. मम्मी अने प्रिया कपड़ा सूकवे छे, मम्मी कपड़ा सूकवे छे और પ્રિયા કપડા સૂકવે છે. ઓકે. તીર્થ અને કબીર પક્ષીને દાણા નાખે છે, તીર્થ પક્ષીને દાણા નાખે છે, કબીર પક્ષીને દાણા નાખે છે. નઝમા નમાજ પડે છે, શાયરા નમાજ પડે છે. તો નઝમા અને શાયરા નમાજ પડે છે. ઓકે બેટા, तो ऐसे करके हमें ये वाक्य बनाना है और लिखना है. समझ में आई बात? चलो अब ये जो प्रवृत्ति दी है ना, उसमें क्या है कि एक चित्र दिया गया है. क्या दिया गया है? चित्र. तो वो चित्र को आपको पहचानना है और यहाँ पर नेम लिखना है. तो ये हैंडल है, ये टायर है, ये पेंडल है. तो पेंडल यहाँ पर लिखना है. फिर ये चेन है, ये सीट है. फिर ये केबिन है और ये पंखा कहते हैं. तो ऐसे करके हमें उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं. ओके बेटा, ससलो ने काचबानी वार्ता वर्ग शिक्षक पासे थी. संभलो, सुननी है, अगले लेक्चर में सुनाऊंगी, है ना. तो ये जो साइकिल के पार्ट्स है वो आपको अच्छे से लिखने हैं. ये बास्केट है. ओके, तो लिखोगे ना. और ये वाला जो वर्क है ना, तो पेज नंबर 108 का 16 नंबर का क्वेश्चन 15 और 16, तो ये वाला जो वर्क है ना वो नोटबुक पर करना है.
और 13, 14, 15, 16 वर्कबुक में करना है. 13, 14, 15, 16 वो वाला वर्क वर्कबुक में करना है और 15 और 16 नोटबुक में करोगे ना. वेरी गुड, थैंक यू.